गाइस इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार स्टारर फिल्म में सरवीरा और साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार कमल हसन स्टारर फिल्म इंडियन 2 के बीच जमकर कलेश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें इन दोनों फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 11 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 11वें दिन के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 12वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सरफिरा के बारे में। आपको बता दें ये एक ड्रामा एडवेंचर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें अक्षय कुमार, राधिका मदन, परेश रावल, सीमा विश्वास, आर शरद कुमार और इरावती हर्ष जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन सुधा कोंगारा प्रसाद ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 18,75,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं अपने 9वें दिन इस फिल्म ने 85,00,000, 10वें दिन 1,20,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 11वें दिन यानी अपने दूसरे सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 30,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म सरफिरा का टोटल 11 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 21,45,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म सरफिरा ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 31,10,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 12वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 12वें दिन यानी अपने दूसरे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 20 से 25,00,000 रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही जब बात कर लेते हैं कमल हसन स्टारर फिल्म इंडियन 2 के बारे में, आपको बता दें ये एक एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें कमल हसन, प्रिया भवानी शंकर, नेतू मुड़ी वेणु, काजल अग्रवाल, नकुल, प्रीत सिंह, ब्रह्मा नंदन और सिद्धार्थ जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन एस शंकर ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 25,60,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 70,40,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 9वें दिन इस फिल्म ने 1,88,00,000, 10वें दिन 2,07,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 11वें दिन यानी अपने दूसरे सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1,16,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म इंडियन 2 का टोटल 11 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 76,81,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म इंडियन 2 ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 140 करोड़ 80 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 12वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 12वें दिन यानी अपने दूसरे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वैसे कि आपको इंडियन 2 और सरफिरा में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।